और ये छोटा अमाउंट नहीं होता, इंडिविजुअली 10 में 5 करने में क्या लगता है 1,000 रुपये। आगे सिनॉप्सिस के बाद आप बाकी प्रक्रिया में जाएंगे, मतलब मैं पीपीटी में आता हूँ, बाकी प्रक्रिया में जाएंगे सारा कुछ करते हुए आपको 30-35 हज़ार 40 हज़ार रुपये तो आपको हो जाता है, आप 1,00,000 रुपये तो मिल जाते हैं ना। अगर कुछ क्या करते हैं तो अभी कोई सर बोल रहे थे कि ना कि अंदर में फ्री में रजिस्ट्रेशन होता है, सॉरी फ्री में नहीं होता, सरकार का जो चालान है वो आपको देना ही है, सरकार आपको बदले चालान नहीं देंगे। सरकार ये कहती है कि जब आप रजिस्ट्रेशन ले लोगे तब हम आपका खर्चा रिइंबर्स करेंगे, ये नहीं कि आप अप्लाई करो और पैसे ले जाओ, ऐसा नहीं है। जब आप अचीव कर लोगे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड होगा, देन ओनली आपको वो रिइंबर्स करेंगे। और वो इन लोगों के पास 10,000 का कैपिंग है। हाँ, स्टार्टअप इंडिया के अंदर में जितने भी रजिस्टर्ड एंटिटी है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, यदि वो लोग अपने ट्रेडमार्क डिजाइन पेटेंट को फाइल करेंगे तो मेरे जैसा कोई भी इंपैनल्ड बंदा जिसको कि भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज किया हो वो यदि प्रोसेस में डालेंगे तो मैं आपसे प्रोफेशनल फी नहीं लूंगा, सिर्फ मैं आपसे चालान लूंगा। सपोज कि आप DIPP में रजिस्टर्ड हैं, स्टार्टअप इंडिया के अंदर में आप रजिस्टर्ड हैं और आप ट्रेडमार्क लेके आए हैं तो मुझे फाइल करना है, तो वैसे सर्कमस्टेंसेस में मैं आपसे सिर्फ चालान का पैसा लूंगा और मेरे प्रोफेशनल फी डिपार्टमेंट मुझे देगी अलग अलग स्टेज पे। तो फ्री में कहाँ हुआ, चालान तो लगा ना। और अगर आप बिना उसके भी जाते हैं, आप ऐसे भी नॉर्मल कोर्स में यदि ट्रेडमार्क फाइल करते हैं तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन तो रिइंबर्स हो ही रहा है। कहने का तात्पर्य मोटा मोटी कि जितना पैसा आपका खर्च होता है वो पैसा आपको वापस मिल जाता है, बस अर्थ है कि रजिस्टर्ड हो गया। वाह, थैंक यू। और यस यस यस।